तो कहा जा पक्षी हो जा, और पक्षी में भी चांडाल अधम पक्षी कौवा। अब वैसे तो भुशुंडी को अपने पक्ष का आग्रह था, अति आग्रह था। जो भी आग्रही होगा वहां अहंकार रहेगा, साधारणतया ये देखने को मिलता है। और जब उसके अहंकार को चोट पहुंचती है तो क्रोधित भी होगा, लेकिन भुशुंडी शाप सुनने के बाद भी क्रोधित नहीं हुए। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर। तो लोमस ने भी सोचा कि नहीं, इसने प्रतिक्रिया, मैंने क्रोध किया तो इसने भी क्रोध नहीं किया, प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया में जीना गुलामी है। प्रतिक्रिया में जीने का मतलब है तुम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो, वो जैसा तुमको नचावे नाचो, वो चाहे तुमको गुस्सा कर दे, वो चाहे तुमको हंसा दे, प्रतिक्रिया में जीना गुलामी। तुम अपने मालिक बनो, तुम्हारा स्वयं पर कंट्रोल हो। लोमस फिर प्रसन्न हुए कि इसमें अहंकार नहीं है, इसने क्रोध नहीं किया, इसके अहंकार को चोट नहीं पहुंची। और फिर गुरु कृपा ऐसी हुई कि पक्षी हुआ जो अपने पक्ष का बहुत ज्यादा आग्रह रखता है, पक्षी, और चांडाल पक्षी बना कौवा। लेकिन महिमा देखो कि हंस उसकी कथा सुन रहे हैं। जब काक भुशुंडी कथा सुना रहे हैं तो अनेक पक्षी की सभा में हंस भी बैठे हैं, हंस कथा सुन रहे हैं, और हंस तो सुन रहे हैं, पक्षियों का राजा गरुड़ भी आया जो परम वैष्णव है, जिसके ऊपर भगवान नारायण सवारी करते हैं। वो गरुड़ भी आए जो स्वयं वेद स्वरूप है, गरुड़ वेद स्वरूप है। उसकी जो पांख है, जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उसकी पांखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्रों। और उसी के ऊपर सवारी करके भगवत तत्व तुम तक पहुंचता है, यानी भगवान का ये वाहन है। वेद के माध्यम से वह ब्रह्म सत्ता, भगवत सत्ता, ईश सत्ता तुम्हारे पास आती, तुम उसका दर्शन करते। तो वो गरुड़ स्वयं जिसकी कथा सुनते हैं। अपना मत रखना ये